नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं अगली खबर का। इस खबर में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया का लोग सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ धड़ल्ले से इसका गलत इस्तेमाल भी जारी है। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट आजकल वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि संबित पात्रा की बेटी मुस्लिम युवक संग फरार हो गई है। ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, लेकिन इस खबर की क्या है सच्चाई हम आपको बताते हैं। संबित पात्रा की बेटी का यह खबर उस समय चलाया जा रहा है जब देश भर में लव जिहाद पर एक नया बवाल छिड़ा हुआ है। कई राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो इससे धड़ल्ले से सही साबित करने के फिराक में है। इस वजह से कई बार बीजेपी नेताओं की बहु बेटियों के साथ मुस्लिमों के रिश्ते जोड़े जाते हैं और कई ऐसी गलतियां कर दी जाती है जो वाकई हुआ ही नहीं है। यह भी सच है कि बीजेपी कई नेताओं के दामाद जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन संबित पात्रा के खिलाफ चल रहा यह वायरल स्क्रीनशॉट असल में यह कोरा झूठ साबित होता है। क्या है संबित पात्रा की जीवन की सच्चाई? क्या उन्होंने शादी की है? क्या उनके पास कोई बेटी है जो मुस्लिम युवक से फरार हुई है? हम आपको पूरा बताएंगे, पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो देखिए ये पूरा रिपोर्ट और जानिए कि आखिर संबित पात्रा और इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई क्या है। देखिए ये पूरा रिपोर्ट। हाल ही में यूपी सरकार ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश जारी किया। भाजपा शासित हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी इससे लेकर कानून बनाने पर विचार चल रहा है। इन खबरों के बीच एक न्यूज चैनल की स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसकी हेडलाइन है, संबित पात्रा की बेटी ने रचाया जिहाद, मुस्लिम युवक संग हुई फरार। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लोग तंज कस रहे हैं कि जहां एक ओर बीजेपी के कई नेता लव जिहाद के विरोध में बयान दे रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की बेटी मुस्लिम युवक संग भागकर लव जिहाद का हिस्सा बन गई। स्क्रीनशॉट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इसका पोल खुल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की बेटी के किसे मुस्लिम युवक संग भागने की बात एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि उनकी भी कोई बेटी ही नहीं है। संबित पात्रा की बेटी के मुस्लिम युवक के साथ भाग जाने की बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, क्योंकि उनकी शादी ही नहीं हुई है और ना ही किसी चैनल ने ऐसे खबर को प्रसारित किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट की तुलना हमने एक न्यूज रूम के स्क्रीनशॉट से की। वायरल स्क्रीनशॉट को बारीकी से देखने पर ऐसे कई बातें नजर आती हैं जिनसे उसके असली होने पर शक होता है। वायरल स्क्रीनशॉट में चैनल का लोगो भी गलत स्थान पर लगाया गया था। स्क्रीन पर एक ही बात दो दो पट्टियों पर लिखा गया है, जैसा कि आमतौर पर किसी चैनल में नहीं होता है। जिस चैनल की स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया था, उस चैनल की प्रवक्ताओं ने भी इस पूरे मामले का खंडन किया है और उन्होंने भी कहा है कि ऐसा किसी खबर को इस किसी चैनल ने चलाया ही नहीं है। फर्जी स्क्रीनशॉट बनाने के लिए संबित पात्रा की जो फोटो इस्तेमाल की गई है, वो भी एक दूसरे चैनल से ली गई है। ये फोटो इस बांग्ला वेबसाइट सहित इंटरनेट पर मौजूद है। संबित पात्रा के बारे में जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि उनकी शादी ही नहीं हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में संबित बीजेपी के टिकट पर ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़े थे। चुनाव के समय उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था, उसमें उन्होंने पारिवारिक रिश्ते के कॉलम को नील रखा था, यानी उन्होंने उसमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी उनकी कोई पत्नी ही नहीं है। उन्हें नामांकन पत्र को देखा जा सकता है कि उनकी पत्नी संबंधित जानकारी 26वें पेज पर है और उस पर कुछ नहीं लिखा गया है। हमें किसी मीडिया रिपोर्ट में भी संबित पात्रा की पत्नी या बेटी का कोई जिक्र नहीं मिला है। तो अब साफ तौर पे ये खबर पूरी तरीके से बेबुनियाद और गलत है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।